चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। हम नीचे से निकले थे, अभी हम आए हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये रास्ता जाता है फूलों की घाटी को, जो हम कल गए थे, और यहाँ पे चेक पोस्ट है, और आगे से ये रास्ता जाता है हेमकुंड के लिए। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे ऊपर। हेमकुंड के लिए रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब स्टीप ज़्यादा है, सो देखते हैं। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, वेदर के साथ में थोड़ा मैच हुआ हूँ। अभी जो है लगभग 60% जो है ट्रैक कंप्लीट किया है। ये जो है रास्ता काफ़ी स्टीप है, कल जो था वो बहुत आसान था, और कल वो भी बहुत टफ लग रहा था। अच्छा हुआ कल वो किया, क्योंकि कल इतना एडजस्ट नहीं हुआ था वेदर के साथ में। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, आज काफ़ी फटाफट रास्ता कवर कर रहा हूँ। ये देखो आगे शॉर्टकट लेके, फिर एक दो जगह पे मस्त मैंने फ़ोटो क्लिक्स किए। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे। छोटा सा शॉर्टकट लिया था मैंने। बहुत लोग यहाँ पे जो चल नहीं पाते हैं वो घोड़ों से या पालकी से आते हैं ऊपर तक, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 15,000 feet के आसपास है, तो आपकी सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होती है यहाँ पे। मॉर्निंग में 6:30 को हमने ट्रैक चालू किया था, अभी 9:30 हो रहा है, सो लगभग 3 घंटा लगा ऊपर आने के लिए। फाइनली जो हाईएस्ट गुरुद्वारा है अपना, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी जो है यहाँ पे गुरुद्वारा के बाजू में जो लेक है वहाँ पे स्नान किया, और इतना ठंडा पानी था ना, बहुत बर्फ़ जैसे, बट नहाने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप यहाँ के, मतलब थोड़ा वेदर के साथ में मैच कर रहे हो, ऐसे हो जाता है, बट अभी मैं कांप रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये लेक है, जो लेक है इसको लोकताल लेक भी बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पे, और ये पूरा का पूरा पहाड़ ब्रह्म कमल से भरा हुआ लग रहा था। टाइम लेके हम ऊपर जा रहे हैं अभी ब्रह्म कमल देखने के लिए। ब्रह्म कमल जो है तो आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते, बस इसके फोटो वगैरह खींचना अलाउड है। यहाँ पे गुरुद्वारा में ना ऊपर एक, मतलब यहाँ पे खिचड़ी मिलता है, बहुत मस्त रहता है ये। और एक बात और, यहाँ पे ऊपर आने के बाद में ना ऑक्सीजन की वजह से शायद आपको वोमिटिंग जैसे फील होगा, सो वो नॉर्मल होता है, सबके लिए होता है वैसे। अगर बहुत ही अनईजी फील हो रहा है तो यहाँ से मेडिसिन भी ले सकते हो। गुरुद्वारा में थोड़ी देर बैठा, अभी दिन है पूरा इस टाइम में, बट पूरे लोग ब्लैंकेट लेके बैठे हैं गुरुद्वारा में, और इतना मस्त है ना गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर लगा ये। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, अभी निकलते हैं हम नीचे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30, और यहाँ पे लॉकर में बैग रखा है, वो बैग लेके भी जाएंगे नीचे पुलना विलेज, और उसके बाद में मैं जाऊँगा गोविंद घाट, देखता है कितना टाइम लगता है। चलो लेट्स गो। गुरुद्वारा जो है वो काफ़ी अंदर है, और
उस दिन आते समय रात में काफ़ी दूर लग रहा था। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से गोविंद घाट के लिए। मस्त था ना हिमालयन डॉग गोपी गोपी। गाइस थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था इसीलिए मतलब दोनों बैग के ऊपर ये कैरी बैग डाल के चल रहे हैं, बट बारिश है ना बीच बीच में हो रहा है, रुक रहा है तो अभी लटका के रखा है। ऊपर आते समय अंधेरा हो गया था इसलिए रूट का इतना मज़ा नहीं ले पाया, बट काफ़ी सुंदर ट्रैक है यार। और मैं रात में ट्रैक कर रहा था तो इसीलिए थोड़ा ऑक्सीजन भी मुझे थोड़ा फील हुआ, ऑक्सीजन जो सीन था वो। तो अभी आते समय तो सिर्फ एक दो बार शूज़ के लेस बांधने के लिए रुका, बाकी नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिक्योर है, इसके पहले छोटा ब्रिज था नीचे वो टूट गया था शायद। ओहो चलो ओके सर। सो भाई लोग अभी क्रिकेट खेल रहे थे, अपना पूरा देसी जुगाड़ जैसे हम स्कूल कॉलेज में खेलते हैं वैसे, मस्त लगा। मेरा हो रहा है अभी और हम मैं जो पुलना विलेज है यहाँ से दिख रहा है अभी बहुत ही पास में 500 मीटर पर यहाँ पर नीचे। चलो अभी वहाँ पे बाइक पार्क किया है। फाइनली मैं पुलना विलेज में आ गया और पुलना विलेज से गाड़ी लेके मैंने गोविंद घाट में जाने के लिए सोचा, बट फिर गोविंद घाट में जाने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो जोशीमठ चलते। फिर जोशीमठ में आने के बाद में और ये तीन लोग मिले और फिर मैंने और जर्नी कंटिन्यू करने के लिए सोचा, बट रात में बारिश की वजह से गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि बहुत जगह पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुआ था। बट श्रीनगर से ये तीन चार लड़के मिले तो इनके साथ में मैं जर्नी कंटिन्यू किया। मैं जोशीमठ से निकला था तो ये दोस्त लोग मिले श्रीनगर से हैं और उसमें से सुमित भाई के भी व्लॉग्स वगैरह काफ़ी मस्त बनते हैं। सो अभी बारिश हो रहा था खतरनाक एकदम अचानक से तो यहाँ पे रुके थे। चलो सपोर्ट करो भाई को और अच्छा सा सपोर्ट दो यार, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हरिद्वार के बाद में मैंने एक जगह पे ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही सुंदर छोला भटूरा था। उसके बाद में मैं दिल्ली गुड़गांव में पहुंच गया, मतलब तीन दिन लगा और 3.5 दिन। और बाय द वे और एक चीज़ था, ट्रेकिंग के वक्त मेरे ना शूज़ के जो बॉटम रहता है वो निकल गया था तो उसका जुगाड़ किया था मैंने ऐसे, जो शूज़ रहता है वो आगे वाला तलवा वो निकल गया था तो लेस से उसको ऐसे बांध दिया। सो अभी इसका वैलिडिटी ख़त्म, आई नो एनर्जी थोड़ा कम है बट या इट वॉज क्रेजी राइड एज वेल एज ट्रेक। तो इफ एनी वन वॉन्ट टू डू इट जस्ट टेक 6 to 7 days। हालत बहुत ख़राब हो गई थी बट ट्रेकिंग और राइडिंग में बहुत मज़ा आया। राइडिंग थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि तीन दिन में करना पॉसिबल नहीं था। सो इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो 4 से 5 दिन का ही प्लान करो सो दैट आपका ट्रिप एकदम स्मूथ और अच्छे से हो जाए। और अगर आप खुद से ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा एक आधा दिन एक्स्ट्रा लेके चलो सो दैट आपको अच्छे से रेस्ट करने के लिए मिले। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।